गाइस, आज मैं आप सभी के साथ मोस्ट यूजफुल रेसिपी यानी कि ब्लैक जेल फूड कलर को बनाने का मेथड शेयर कर रही हूँ। कुछ दिनों पहले फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर 6 तरीके के होममेड नेचुरल जेल फूड कलर्स की रेसिपी को शेयर किया था। आप सभी ने उसे काफ़ी पसंद किया और तभी से मेरे कुछ व्यूअर्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम, आप हमें ब्लैक जेल कलर कैसे बनाया जाता है वो मेथड भी बताइए। तो बस मैं अपने काम में लग गई और आज रिजल्ट आपके आगे है। फ्रेंड्स, इस कलर को बना करके आप फ्रिज में 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं और जब मन चाहे अपने केक पर, केक की क्रीम में, फोंडेंट में, किसी भी थीम केक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कलर से फ्रेंड्स, आप कार्टून केक्स की लाइनिंग कर सकते हैं, साथ ही केक के ऊपर पेंटिंग भी की जा सकती है और फोंडेंट में भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। कई बार फ्रेंड्स, हमें थीम केक बनाने होते हैं और उसमें ब्लैक कलर की ज़रूरत पड़ती है और ये ब्लैक कलर आसानी से मिलता भी नहीं है, तो अब आप आसानी से घर में इस ब्लैक जेल कलर को बना भी सकते हैं और उसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल सी रेसिपी है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ब्लैक जेल कलर बनाने के लिए हमें एक बेस चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं आज यहाँ पर ले रही हूँ घर का बना हुआ ग्लूकोज सिरप। आप चाहें तो फ्रेंड्स कॉर्न सिरप भी ले सकते हैं, चाहे तो न्यूट्रल जेल भी ले सकते हैं। इन सभी का मेथड फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 स्पून भर करके ये ग्लूकोज सिरप ले रही हूँ। आपको जितना कलर बनाना हो फ्रेंड्स, आप उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। आज हम फ्रेंड्स अपना ब्लैक जेल कलर 3 प्राइमरी कलर्स को मिला करके बनाएंगे। तो उसका पहला कलर होता है रेड कलर, तो इसमें सबसे पहले हम 2 ड्रॉप्स डालेंगे रेड कलर की। फ्रेंड्स, ये रेड कलर मैंने बीट रूट से बना करके तैयार किया हुआ है, तो इसकी हम 2 ड्रॉप इसके अंदर ऐड करेंगे। ये कलर मेरा फ्रेंड्स घर का बना हुआ है, लेकिन अगर आपके पास मार्केट का कलर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। 2 ड्रॉप मैंने इसकी डाल दी हैं। अब हम फ्रेंड्स अपना 2nd प्राइमरी कलर इसमें ऐड करेंगे, जो कि होता है येल्लो कलर। इसे मैंने फ्रेंड्स हल्दी से बना करके तैयार किया है, तो इसकी भी मैं 2 ड्रॉप इसमें ऐड कर देती हूँ। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, आपको तीनों कलर्स जो लेने हैं प्राइमरी, उसकी बराबर मात्रा ही ऐड करनी है। तो जैसे रेड कलर की 2 ड्रॉप डाली थी, उतनी ही हम येलो कलर की डालेंगे। और अब हम डालेंगे हमारा 3rd प्राइमरी कलर यानी कि ब्लू कलर। इसे मैंने फ्रेंड्स कैबेज से बना करके तैयार किया है, आप चाहें तो इसे ब्लैक ग्रेप से भी तैयार कर सकते हैं। तो इसकी भी मैं 2 ड्रॉप्स इसमें ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, आप जितना गहरा नीला रंग लेंगे आपका ब्लैक कलर उतना ही डार्क बनेगा। मेरा तो ये घर का बना हुआ है, अगर आप मार्केट का जेल कलर यूज़ करेंगे तो आप नेवी ब्लू कलर यूज़ कीजिएगा, उससे जेट ब्लैक कलर बनता है। अब हम फ्रेंड्स इसे स्पून से मिक्स करेंगे और आप देखेंगे एक मैजिक। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा डीप ब्लैक कलर हमारा बन करके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, इस डार्क ब्लैक कलर को बनाने का जो आइडिया है वो मुझे एक बचपन के इंसिडेंट से आया। एक बार मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना था और मेरे पास ब्लैक कलर नहीं था, तब मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना तुम 3 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके अपना ब्लैक कलर बना लो। तो बस जैसे ही मुझे वो याद आया, मैं अपने किचन में फटाफट गई और अपने 3 प्राइमरी कलर्स को मिला करके मैंने एक कलर बनाया। तो सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। तो इस तरीके से देखिए, हमने कलर बना लिया है। अब हम इसको स्टोर करने के लिए एक छोटी सी बॉटल ले रहे हैं, ये मैंने एक्रेलिक कलर के लिए। इसे अच्छे से धो करके आपको ड्राई करना है और इसके अंदर आप ये कलर ऐड कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं हमारा घर का बना हुआ ये ब्लैक जेल कलर रेडी है। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट के जेल कलर को लाने की। 3 प्राइमरी कलर्स फ्रेंड्स बेसिक होते हैं, ये हम सभी के पास होते हैं, तो आप जब मन चाहे ये ब्लैक कलर बना सकते हैं। इस कलर से आप केक्स, क्रीम्स, फोंडेंट सभी को कलरफुल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसका रिजल्ट हम अपनी क्रीम पर देखते हैं। तो मैंने यहाँ बाउल में 3 चम्मच व्हिप्ड क्रीम ली है, ये एकदम चिल्ड है। इसके अंदर फ्रेंड्स हम अपना बनाया हुआ ये जेल कलर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं केवल 2 से 3 ड्रॉप इसकी ऐड करूँगी इस तरीके से। और अब हम इसे स्पून की मदद से कट एंड फोल्ड करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जोर जोर से इसे फेंटना नहीं है, बस हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है, नहीं तो क्रीम का टेक्सचर खराब हो सकता है। और जैसा कि फ्रेंड्स आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर हल्के काले रंग की शेड आई है, लेकिन हमें तो थोड़ा डार्क कलर चाहिए होगा। तो मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगी जिसको यूज़ करके आप इस कलर को डार्क कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, इसे अच्छे से क्लिंग रैप से कवर करना होगा। अगर आपके पास क्लिंग रैप ना हो तो आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में इसे बंद कर दीजिएगा।
चाहे तो स्टील का हो चाहे तो प्लास्टिक का हो, बस इसके अंदर एयर नहीं जानी चाहिए। और इस तरीके से अच्छे से बंद करके आप इसे फ्रिज में या तो 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, नहीं तो अगर आपके पास समय कम है तो आप फ्रीज़र में इसे 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा। तो मैंने इसे फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रखा था और ये देख सकते हैं आप क्रीम कितनी अच्छे से जम। डार्क कलर बनाने के लिए हमें एकदम जमी हुई क्रीम ही चाहिए। अब हम फ्रेंड्स एक बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध, और इसके अंदर अब हम डालेंगे हमारा बनाया हुआ ब्लैक जेल कलर। तो 2 ड्रॉप हमने पहले ऐड की थी, 2 से 3 ड्रॉप हम अभी ऐड करेंगे इस दूध के अंदर इस तरीके से। और अब हम इसे स्पून से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जैसे ही देखिए हम ये मिक्स करेंगे, हमारा जो मिल्क है वो एकदम डार्क कलर का हो जाएगा। अब हम इस दूध को अपनी चिल्ड की हुई व्हिप्ड क्रीम में ऐड कर देंगे इस तरीके से। और अब हम फ्रेंड स्पून से इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। कट एंड फोल्ड करते हुए क्रीम हमारी जमी हुई है तो इस दूध से उसका टेक्सचर भी खराब नहीं होगा। तो बस आप इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे फ्रेंड्स हमारा जो क्रीम का कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। फ्रेंड्स ये घर का बना हुआ ब्लैक जेल कलर है तो हल्का ब्लैक कम है इसके अंदर। आप अगर मार्केट के प्राइमरी कलर्स यूज़ करेंगे तो शेड बहुत अच्छा आएगा, और अगर आप बिल्कुल नेवी ब्लू कलर उसमें यूज़ करेंगे तो आपका जेट ब्लैक कलर बन जाएगा। मेरे छोटे वाले बाउल में फ्रेंड्स थोड़ा सा दूध बच गया था तो मैं उसे भी ऐड कर देती हूँ और इसे फिर से हम मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स इस मेथड को यूज़ करके आप जिस भी कलर को डार्क कलर में चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। इसका एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं हमारी क्रीम रेडी है और इसके अंदर स्टिफ पीक्स भी है, दूध डालने से भी इसका टेक्सचर खराब नहीं हुआ है। तो चलिए इसे पाइपिंग बैग में डाल करके अब कुछ डिज़ाइन बना करके देखते हैं। तो इस तरीके से ग्लास की मदद से मैं इसे पाइपिंग बैग में भर लूँगी। मैंने एक नॉर्मल सा स्टार नोजल लगा लिया है मीडियम साइज का ताकि मैं आपको कुछ डिज़ाइन बता सकूँ। आपको एकदम हल्के हाथों से क्रीम को पाइपिंग बैग में भरना है और जितनी कैपेसिटी आपके पाइपिंग बैग की है यानी कि 3/4 ही आपको उसे भरना होता है। तो हमारा पाइपिंग बैग रेडी है, चलिए इसे मैं व्हाइट प्लेट पर आपको कुछ डिज़ाइन बना करके दिखाती हूँ ताकि आपको प्रॉपर एक शेड समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने प्यारे ब्लैक कलर के फ्लावर्स यहाँ बन रहे हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें इस ब्लैक कलर की क्रीम से बना सकते हैं। कभी कभी हमें फ्रेंड्स थीम केक बनाने होते हैं, बच्चों के कार्टून केक बनाने होते हैं, तो जब हम इस क्रीम से उसकी आउटलाइन कर देंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है वो और ब्यूटीफुल लगता है। और इस तरीके से आप बॉर्डर्स भी बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, किसी कार्टून केक का रोड बना सकते हैं, कार केक में लाइनिंग कर सकते हैं, बहुत सारे काम आप इस क्रीम से कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स जो ब्लैक जेल कलर को लेकर के आपकी प्रॉब्लम थी वो आज मेरे इस वीडियो से थोड़ी बहुत सॉर्ट आउट हो गई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने फीडबैक्स मुझे देते रहिएगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी फ्रेंड्स आप सभी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।